इस क्वेश्चन के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, आपको ये ब्लॉक गिवन है, फ्रिक्शन गिवन है, और वो बोलेगा क्वेश्चन में बॉडी एक्सेलरेट करती हुई नीचे आ रही है, और नीचे आने की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, जी बाय फोर है। तो इसमें म्यू आपको निकालना है काइनेटिक, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो वेट कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके कॉम्पोनेंट्स कुछ ऐसे बनते हैं, डायग्राम में हमने किया हुआ है, ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल क्या है 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये एम जी के कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक एम जी कॉस ऑफ 30 और एक एम जी साइन 30। अब क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन की बने नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एम जी कॉस 30, और क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे की फोर्स बड़ी और पिछली फोर्स छोटी, तो क्या आएगा, एम जी साइन ऑफ 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट, क्लियर है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, तो नीचे और ऊपर की फोर्स बराबर, तो इसमें एक्सेलरेशन गिवन देनी पड़ेगी, तो एम इंटू जी इंटू साइन ऑफ 30 म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज एम इंटू एक्सेलरेशन, कितनी गिवन है, जी बाय 4, तो एम जी बाय 2 म्यू के नॉर्मल रिएक्शन कितनी गिवन है, एम जी कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू एम इंटू जी बाय 4, एम जी एम जी एम जी कैंसल, म्यू के निकालना है, ये कितना आएगा 1/√3/2 इज इक्वल टू 1/4, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, म्यू के की वैल्यू आएगी। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक।